हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम स्पेशली बात करने आए हैं एक सुअर के बारे में। मैं नहीं चाहता था इस पर वीडियो बनाने के लिए, लेकिन इस सुअर ने इतनी हद तक गंदगी काम कर दी। मैंने इसका बहुत वीडियो देखा, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अपना वीडियो बना रहा है, बनाने दे। ओ अवेसी जी हैं, ये देखिए, इनका भी वही काम है। अगर ये सही है तो टी राजा भी सही है। एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, मनीष कश्यप। लेकिन जब इसने मनीष कश्यप को कहा और इनके सब्सक्राइबरों के बारे में कहने लगा कि इसके 4 से 5 मिलियन है, ये आरएसएस का चमचा है, वो ये करने लगा। मनीष कश्यप को आपने कई बार सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस को वायरल होते हुए देखा है। 4 मिलियन से भी ज्यादा उसके सब्सक्राइबर यूट्यूब में है और फेसबुक में है, और इनके अधिकतर जो व्यूवर्स है वो अधिकतर 50-60% मुसलमान है। और जिनको नहीं पता मनीष कश्यप कौन है और वो क्यों राजा सिंह का समर्थन करता है, राजा सिंह आरएसएस का चमचा है, वैसा ही मनीष कश्यप भी आरएसएस का चमचा है। तो फ्रेंड्स, इतने देर में आप क्या समझ गए? अगर कोई बंदा डायरेक्टली छोटा सा थोड़ी सी वीडियो चला के उसको डायरेक्टली बोल दिया कि ये आरएसएस का चमचा है, ठीक है, तो मैं इसको क्या कहूँ? अभी जो कर रहा है, मैं गाली दूँ कि नहीं दूँ? कॉमेंट में बताना। अगर पसंद आएगा गाली तो मैं अगले बार वीडियो में ज़रूर दूंगा इसको, लेकिन अभी ज़रूर कहूंगा कि ये एकदम भड़वा है, ये तो अपने कम्युनिटी का चमचा है। आरएसएस वो बयाता आरएसएस का एक मेंबर है। मनीष कश्यप की बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। राजा सिंह के समर्थन करने से पहले ही मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी का भी सपोर्टर है और आरएसएस का भी सपोर्टर है। यही वजह है कि मनीष कश्यप कभी भी मोदी या फिर अमित शाह के खिलाफ बयान, आखिर इसने लास्ट में ये कह दिया कि इसने मोदी और अमित शाह का विरोध नहीं किया कभी भी अपने चैनल के माध्यम से। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई काम होता है तो मोदी और शाह ही कराते हैं, मानते हैं, लेकिन वो काम सही से नहीं करता है तो उसके लिए जिम्मेदार मोदी और अमित शाह क्यों है? ठेकेदार फिर क्यों है? इस सुअर को इतना समझ में नहीं आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? इनके वीडियो को मुसलमान ज्यादा वायरल करते हैं, उनको लगता है कि ये उनका बाप है। जुम्मन मुसलमान एमआईएम के चाहने वाले सतर्क रहते हैं और ऐसे लोगों का कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। तो मनीष कश्यप ने टी राजा सिंह का समर्थन किया, तो जो भी मुसलमान मनीष कश्यप का समर्थन करते थे उनको चाहिए कि वो उनका पूरी तरीके से बहिष्कार करें। आखिर इसने साबित कर दिया कि ये किस तरह का मुसलमान है, मुसलमान को ही गाली बक्के। तो इसने मनीष कश्यप को इस बात पर टारगेट किया कि उसने डायरेक्टली कह दिया कि अकबरुद्दीन ओवैसी सही है और या ओवैसी सही है तो टी राजा भी सही है। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी को जेल नहीं हुआ तो टी राजा को भी नहीं होना चाहिए, यही बात कहा ना, इसी बात पर इसको मिर्ची लग गई। तो मैंने तो कहता हूँ कि ये सही कहा भाई साहब। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बयान कब दिया था? 2010 या 2008 में। टी राजा ने कब दिया, क्यों दिया, उसके बारे में ये कुछ नहीं बोला। तो मैं बोलता हूँ ये जो फारूकी सुअर का बच्चा जो है उसने दिया ना, उसकी वजह से दिया ना, क्योंकि इसने हमारे आस्था यानी धर्म देवी दुर्गाओं के साथ मजाक बनाया है कॉमेडी में। तो अगर किसी ने बनाना शुरू कर दिया तो क्या हर्ज हो गया उसको? जब तुम कॉमेडी के रूप में ले सकते हो तो इसको भी लो ना, इसको भी लो कॉमेडी के रूप में। इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसा काम ना करें कि आपको झुकना पड़े, आपको शर्मिंदगी महसूस करना पड़े। जय हिंद, जय भारत।